हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जल्दी से आ जाइए क्लास में, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट किया जाए एकदम धमाकेदार तरीके से। जल्दी से क्लास में सभी लोग जुड़ेंगे एंड फटाफट से एक बार कंफर्म करेंगे कि क्या हमारी वॉइस एकदम क्लियर है, आप लोग हमें सुन पा रहे हैं कि नहीं। थोड़े स्पीड में करेंगे करेंगे रिप्लाई। शाबाश, चलिए, बहुत सारे लोग उपस्थित हैं एंड काफ़ी लोग जुड़ते चले जा रहे हैं एंड सभी लोगों को शाबाश। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। चलिए आ जाइए जल्दी से। हाँ, आवाज़ क्लियर है, वेरी गुड, शाबाश। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए चलिए दो चार लोगों के नाम लेते हैं, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं विपिन सिंह हैं, मोहम्मद अब्बास कलाकार हैं, सुमन यादव हैं, छवि, हेमा, गायत्री, इंडिया ब्लॉग, सरिता, रीना, स्वैब, पंकज जी हैं, चलिए शबनम आ गई हैं, प्रिया, चलिए सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बीना जी चलिए आ जाइए, क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है एंड फर्स्ट क्वेश्चन को आप लोगों को सभी को आंसर करना है। पूछा गया है आपसे कि भारत का सर्वाधिक ऊंचा शैल उत्कीर्ण एकाश्म मंदिर कहाँ पर है? शोर मंदिर, कैलाश मंदिर, खंडगिरी मंदिर या फिर मसरूर मंदिर, कहाँ पर है बताइए जल्दी से फटाफट से। सर्वाधिक ऊंचा शैल उत्कीर्ण एकाश्म मंदिर पूछा गया है एंड बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा हुआ है, आपको याद रखना है। ये जो एलोरा का कैलाश मंदिर है वो आपका एक ही पत्थर से कटा हुआ बना है, ठीक है, एकाश्म मंदिर है। दूसरा क्वेश्चन है, ल्यूक होवार्ट की पुस्तक है लंदन की जलवायु, इससे किस कलाकार को ऋतु चित्रण में सहाय, जॉर्जियो को, टर्नर को, जॉन कॉन्स्टेबल या फिर डेलाक्रा, बताइए क्या होगा आंसर। लंदन की जलवायु से किस कलाकार ऋतु चित्रण में सहायता मिली है एंड आंसर की बात करेंगे, वेरी गुड, शाबाश, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है जॉन कॉन्स्टेबल, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। आगे चलते हैं, बताना है प्रमाण की दृष्टि से कला आचार्यों ने कितने रूप बताए हैं? 5, 4, 3, 8, कितने होंगे आंसर? रूप की बात हो रही है, आंसर हो जाएगा आपका, फटाफट से करेंगे आंसर आप लोग स्पीड में एकदम, शाबाश। बिल्कुल 7 बजे उपस्थित होना है आपको, तो होना है, ठीक है, हाँ आ जाइए जल्दी से। बिल्कुल ऑप्शन ए, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, पूछा जा रहा है 9वां रस कौन सा है? वीर, शांत, हास्य, रौद्र, क्या हो जाएगा आंसर? 9वां रस पूछा गया है एंड आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा आंसर, शाबाश, आंसर की बात करेंगे, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ये है शांत रस, ठीक है। आगे चलते हैं, पूछा जा रहा है 2014 की क्रिस्टीज नीलामी में रजा की पेंटिंग चर्च एट मिलान कितने रुपए में बिकी थी? बताइए 2.03 करोड़, 1.01 करोड़, 4.50 करोड़ या फिर 2.05 करोड़, क्या हो जाएगा राइट आंसर एंड आंसर की बात करेंगे चर्च एट मिलान, आंसर होगा ऑप्शन ए, ये 2.05 करोड़ में, सॉरी 2.03 करोड़ में बिकती है, ठीक है। आगे बताना है कार्डेंसकी का जन्म जो है, बताइए क्या होगा, 1866 में कार्डेंसकी का जन्म कहाँ होता है? रूस में होता है, इंग्लैंड, इटली, फ्रांस, बताइए आंसर की बात करेंगे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये है रूस में होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध फिल्मकार ऋतिक घटक ने किस कलाकार के ऊपर 1975 ईस्वी में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी? बताइए किसके ऊपर, ऋतिक घटक की बात आ रही है तो आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर आपका 7वां है, बताइए क्या होगा आंसर एंड आंसर की बात करेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ये है राम किंकर बैच, ठीक है, ऋतिक घटक शब्द आ गया तो इतने से आपको समझ जाना है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, जो कि पूछा जा रहा है आपसे, 1958 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म पूछा गया है, 1958 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में नामांकन पाने वाली प्रथम फिल्म कौन सी थी, बताइए। 1958 की बात हो रही है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये है मदर इंडिया। क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए मदर इंडिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है एचिंग में कॉपर प्लेट से कितने प्रिंट बनाए जा सकते हैं, बताइए। कॉपर प्लेट से कितने प्रिंट बनाए जा सकते हैं? 2, 1, 1000 से ऊपर या फिर लगभग 9000? ये क्वेश्चन है नौवां नंबर, बताइए। बिल्कुल इसका आंसर होगा लगभग 1000 बनाए जा सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। मैं शैली विहीन चित्रकार हूँ, ये कथन किसने कहा था? माइकल एंजेलो, पिकासो, टर्नर, वॉन गॉग। देखिए एक बात बोले आप लोगों से, अभी तक नहीं बोला है लेकिन आज बोल रहे हैं, जो ये क्लास ले लेगा, जितनी भी हमने क्लासेस करवाई हुई हैं अभी तक, और जिसने भी अभी तक इसके पहले नहीं पढ़ा है वो अभी से शुरुआत कर रहा है, तो उसके लिए बताना है कि आज से ही जिसने भी स्टार्टिंग कर दी है या पहले से जो पढ़ रहा है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज से जो पढ़ना स्टार्ट कर रहा है लास्ट तक पेपर तक बने रहना, जितने क्वेश्चन करवाए जाएं उसको इतने बार रिवाइज कर लेना कि जैसे अमृत दिया जाता है ना, तो एक बूंद से अमर हो जाता है व्यक्ति, बस वैसा ही ये आपको से अमृत क्लासें मिल रही हैं। एक एक क्वेश्चन अमृत है, और देख लीजिएगा क्वेश्चन आपको कहीं और से नहीं, इन्हीं क्लासों से मिलेगा, देख लीजिएगा। अभी जो आपका बीपीएससी पेपर हुआ है, आप लोग देखा होगा बीपीएससी का जो ये एस्टेट का हुआ है, उसमें डायरेक्टली आपको 94 क्वेश्चंस मिल गए हैं, डायरेक्ट 94 मिले हैं। अब पता है एक क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ 94 की बात हो रही है, तो आप लोग बिल्कुल से एक एक क्वेश्चन पे अच्छी नज़र गड़ाए रखिएगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। चलिए आ जाइए दसवें का क्या होगा, और हो सकता है कि आपका एग्जाम अब जल्द ही हो जाए। हाँ, आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन बी पिकासो, बताइए। बेलारी जो है ये शैल चित्रों की खोज किसने की है? एफ फासेट, मनोरंजन घोष, स्टुअर्ट पिगॉट और वी एस वाकड़कर। जितना हम पढ़ा देंगे ना, इतना पढ़ा देंगे हम कि मतलब एग्जामिनर भी सोचेगा कि कहाँ से क्वेश्चन उठाया जाए, क्योंकि हमने इतना एनालिसिस कर लिया है कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। चलिए हाँ, शाबाश, आंसर आ रहे हैं आपके, ऑप्शन ए ये है एफ फासेट, ठीक है। आगे चलते हैं। मयूर का अंकन कहाँ मिलता है, बताइए। होशंगाबाद, पंचमढ़ी, मिर्जापुर, सोहरो घाट, बताइए। मयूर की बात हो रही है, एंड आंसर होगा आपका ऑप्शन ए ये है होशंगाबाद, ठीक है। आगे चलते हैं। किस महत्वपूर्ण चित्रकार को 1956 ईस्वी में प्री द कृतिक अवार्ड दिया गया है, बताइए। क्या हो जाएगा आंसर? राम कुमार, रतन कुमार, सैयद हैदर रजा, एम एफ हुसैन। किसको मिला है? तो आंसर याद रखना है, प्री द क्रिटिक अवार्ड जो मिला है ये ऑप्शन सी सैयद हैदर रजा को मिला है, ठीक है। ये पुरस्कार से भी पूछे जाते हैं तो याद रखना है। आगे चलते हैं। पूछा गया है कि ग्रुप एट जिसकी स्थापना 1967 ईस्वी में हुई थी, इसका संबंध किससे है? चित्रकला से, शिल्पकला, छापा कला, इंस्टॉलेशन आर्ट, बताइए। क्या होगा? 1967 में हुई थी, ग्रुप एट की बात हो रही है, एंड आंसर होगा आपका बिल्कुल सही ऑप्शन सी ये है छापा कला, ठीक है। आगे चलते हैं। क्रोचे ये कहाँ के दार्शनिक थे? इटली, यूनान, जर्मनी, चीन। क्रोचे की बात हो रही है, ये कहाँ के दार्शनिक थे, एंड आंसर की बात करेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा क्या? इटली, यूनान, जर्मनी, चीन। कहाँ के थे ये? तो याद रखना है ऑप्शन ए ये इटली के थे, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि पारितोष सेन इसके इनके गुरु कौन थे, बताइए। रवीन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, देवी प्रसाद राय चौधरी। पारितोष सेन की बात हो रही है, चलिए आंसर पे करेंगे तो आंसर की बात करेंगे, पारितोष सेन के गुरु कौन थे ये पूछा गया है। हाँ, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ये है डीपी राय चौधरी, आंसर इनका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है,
कलकत्ता ग्रुप के सदस्य कौन हैं? गोपाल घोष, निरोध मजूमदार, हेमंत मिश्र, उपरोक्त तीनों, बताइए। इतने कम टाइम में इतनी ज़्यादा चीज़ें आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो जितना पढ़ाया जा रहा है हर चीज़ को बहुत गहराई से पढ़िए, ठीक है। बार बार बोल रहे हैं एग्जाम के टाइम पर हम ही हंसेंगे आप लोगों के ऊपर, तब आपको बुरा लगना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए आंसर की बात करेंगे, कलकत्ता ग्रुप के सदस्य कौन हैं? तो आंसर होगा ये उपरोक्त तीनों हैं, निरोध मजूमदार, गोपाल घोष, हेमंत मिश्र, ठीक है। आगे चलते हैं, क्योंकि अब जो है ना बिल्कुल एग्जाम का टाइम है, क्योंकि अब थोड़ा सा सुसराहट हो रही है गवर्नमेंट में, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है, ठीक है। प्रभाववाद, घनवाद, यथार्थवाद, अति यथार्थवाद, बताइए। पढ़ना शुरू कर दीजिए बिल्कुल से, अब क्या होगा 18 का? ऑप्शन बी होगा ये घनवाद, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं, के हैबर जो है वो काहे के लिए फेमस है, ये पूछा जा रहा है आपसे। 19 का क्या होगा आंसर? के हैबर जो है ये ऑप्शन ए हो जाएगा, ये रेखांकन के लिए फेमस है, ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, जे जे स्कूल ऑफ आर्ट की जो संस्थापना हुई है वो कब हुई है? 1850, 54, 57, 75, क्या हो जाएगा आंसर 20 का? जे जे स्कूल ऑफ आर्ट जो है ये स्थापित कब होता है? ऑप्शन सी 1857 में। आगे चलते हैं, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी इसकी स्थापना कब होती है? 1880, 84, 88, 90, क्या होगा आंसर? हाँ 21, बिल्कुल बॉम्बे आर्ट सोसाइटी पूछी गई है एंड आंसर हो जाएगा 1888, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे रंग क्या है पूछा गया है आपसे, कलर स्टिक है, कलर केक है, बॉटल है या फिर प्रकाश का गुण है। 22, रंग क्या है पूछा गया है, सभी लोग करेंगे फटाफट से एंड आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये एक तरह का प्रकाश का गुण होता है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार किस संस्था से जुड़े हुए हैं, बताइए क्या होगा? बॉम्बे ग्रुप, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप या फिर दिल्ली शिल्पी चक्र, पेंटर्स एसोसिएशन, बताएंगे सभी लोग क्या हो जाएगा आंसर? चलिए आंसर की बात करेंगे, आंसर होगा आपका ऑप्शन, चलिए क्या पूछेंगे, पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार किस संस्था से, अच्छा ठीक है, आंसर की बात करेंगे आपका हो जाएगा ये है दिल्ली शिल्पी चक्र से, ठीक है। नेक्स्ट है, चोल मंडल क्या है बताइए, कलाकारों का एक गांव है, समूह है या फिर चोल प्रदेश की कमिश्नरी है, इनमें से कोई नहीं, बताएंगे सभी लोग क्या हो जाएगा? चलिए आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, यह है कलाकारों का एक गांव, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा जब कहानी पूरी। आगे पूछा जा रहा है, प्रसिद्ध भूदृश्य चित्रकार सतीश चंद्र की मृत्यु 19 अप्रैल 1948 को कहां होती है, बताइए, कोलकाता, वाराणसी, लखनऊ, दिल्ली। सतीश चंद्र की बात हो रही है एंड इनकी मृत्यु की बात है तो ऑप्शन बी होगा, ये वाराणसी में होती है, ठीक है, याद रखना है। आगे चले हैं, कंपनी शैली है बताइए, 26, यूरोपीय शैली, विशुद्ध भारतीय शैली है या फिर विकृत मुगल शैली है, या मुगल, लोक, यूरोपीय, इन सब का मिश्रण है। शाबाश, बहुत सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इन सभी का मिश्रण है, ठीक है। आगे बढ़े हैं, ताजमहल के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यह एक भव्य मकबरा है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, ये सब कोई जानता है, और यह आगरा फोर्ट के बाहर स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है एंड सही नहीं क्या है, तो इन पर उन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण हैं जिन्होंने इसका निर्माण किया था, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ये गलत है, बाकी सही है। आगे बढ़ जाते हैं, नर्तकी समूह किस गुफा में चित्रित है, लास्को, कोबुल, लिबानजो या फिर कोवाला नाग्स, बताइए 28 का क्या होगा? आपकी ये प्रैक्टिस सेट हो जाए फिर आपकी गदर सीरीज स्टार्ट होगी एमसीक्यूज वाली, ठीक है, हाँ वो बिल्कुल से एग्जाम के लिए बिल्कुल पर्याप्त होगी, हाँ ऑप्शन डी ये है, सॉरी ऑप्शन बी ये है, कोगुल, ठीक है। आगे चलते हैं,
प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं कहाँ पर हैं? नासिक के समीप है, मुंबई के, हैदराबाद के या गोवा के? हाँ, आंसर होगा ऑप्शन बी, ये है मुंबई के समीप। ठीक है, आगे चलते हैं। दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी कौन सी सभ्यता है? तो बहुत सिंपल सी है, दजला और फरात के बीच की पूछी है, तो इन दोनों के बीच में कौन सी सभ्यता पनपी है? तो मेसोपोटामिया। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। वीरभूम प्रसिद्ध है किसके लिए? टाटा मोटर फैक्ट्री के लिए, टेराकोटा मंदिर के लिए, स्टील फैक्ट्री, जूट फैक्ट्री? क्या हो जाएगा आंसर 31 का, बताइए। क्या हो गया, नेटवर्क प्रॉब्लम? क्लास चल रही है, बताइए जल्दी से, क्लास चल रही है 31? हाँ, चलिए आ रहे हैं सर, ऑप्शन बी, ये टेराकोटा मंदिर के लिए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। उस चित्रकार का नाम बताना है जो वास्तुकार और साथ साथ मूर्तिकार भी था, बताइए। हाँ बताइए 32। हाँ, बीच में प्रॉब्लम हो गई थी नेटवर्क की। चलिए 32 का क्या होगा आंसर? बिल्कुल, वास्तुकार और मूर्तिकार पूछा गया है ना, तो ये दोनों माइकल एंजेलो थे। ठीक है, आगे चलते हैं। एनके मिश्र काहे के लिए जाने जाते हैं? लघु चित्रकला, भित्ति चित्रकला, वॉश चित्रण, कलमकारी, किसके लिए जाने जाते हैं, बताएंगे सभी लोग? हाँ, आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये वॉश चित्रण के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1976 पता नहीं जून, हाँ ठीक है, 1976 ईस्वी में दिल्ली के गढ़ी में सामुदायिक कार्यशाला की शुरुआत किसने की है? डीपी राय चौधरी, राम किंकर बैच, सोमनाथ होर, शंखो चौधरी? क्या हो जाएगा आंसर? हाँ, आंसर होगा ऑप्शन डी, शंखो चौधरी। एलोरा काहे के लिए फेमस है? बहुत बार पढ़ा हुआ है ये आपने, किसके लिए? मूर्तियों के लिए फेमस है। ठीक है, सभी को मालूम है ना एलोरा की प्रसिद्धि का कारण। चलिए आगे चलते हैं। बताना है द्वितीयक श्रेणी के रंग कौन से हैं? 36। हाँ, 36 पे आएंगे, द्वितीयक रंग पूछे गए हैं। हाँ, शाबाश, ऑप्शन सी, हरा, बैगनी, नारंगी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है, सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान प्रोफेसर निलहम ओस्टवाल्ड, इन्होंने कितने रंगों का चक्र प्रस्तुत किया है, बताइए। सिंपल सा है, ऑप्शन डी, इन्होंने 8 रंगों का चक्र प्रस्तुत किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी हाल ही में प्रसिद्ध पूछा जा रहा है, अभी हाल ही में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के सचिव कौन नियुक्त किए गए? नंदलाल ठाकुर, रामकृष्ण वेदाला, प्रांजल सेठ, नवदीप सिंह? 38 याद रखना है, ऑप्शन बी, रामकृष्ण वेदाला। नेक्स्ट, अनावृत्ताओं के शरीर पर रंग छिड़क कर कैनवास पर उनकी छाप के द्वारा चित्रांकन को क्या कहा जाता है? न्यूड पेंटिंग, न्यूड इंप्रेशंस, लिविंग ब्रश टेक्निक, न्यूड लाइफ पेंटिंग, बताइए 39 का क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यूड लाइफ पेंटिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, 39 हो गया, 40 नंबर है ये। बताना है कि ताश के खिलाड़ी किसकी प्रसिद्धि मतलब कृति है? सेजा, वॉनकॉक, मातिस, पिकासो? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन ए हो जाएगा, सेजा की है। ठीक है, नेक्स्ट है 41। पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी रविंद्र भवन ये किस शहर में स्थित है? मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, बताइए ये कहाँ पर है? 41 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी, ये दिल्ली में है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी इस क्वेश्चन में। रविंद्रालय कहाँ स्थित है, बताइए 42। सारे क्वेश्चंस एकदम सिलेक्टेड हैं, बार बार बोल रहे हैं, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, और आप लोग कह रहे हैं कि पता नहीं कहाँ से हो आ गए, क्योंकि आप लोग पढ़े नहीं होते हैं, और हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोगों को लापरवाही लग रही है। हाँ, ऑप्शन बी, ये है लखनऊ में। ठीक है, आगे
भारत में वुडकट टेक्निक का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? रवींद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर। आप सभी से बोल रहे हैं कि बिल्कुल पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है कि अब कब हो जाए, ठीक है? बार बार बोल रहे हैं, फिर बाद में मत कहना कि मैम ने हमें आगाह नहीं किया। मैम ने भी आगाह कर दिया है, आयोग ने भी आगाह कर दिया है, ठीक है? तो बिल्कुल से पढ़ना शुरू कर दीजिए। बताइए कोटी थी का क्या होगा आंसर? वुडकट टेक्निक पूछा है, पहला प्रयोग ऑप्शन डी होगा, चंचल बैनर्जी। नेक्स्ट, कर्नाटक की वह लोक कलाकार जिन्होंने जोगती लोक नृत्य को पुनर्स्थापित किया, बताइए बहुआ देवी, मुजम्मा जोगती, विजक्ष्मी, फिर है मालिनी अवस्थी। हाँ, आंसर की बात कर लेंगे, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ये है मुजम्मा जोगती, ठीक है? आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पूछा जा रहा है माइकल एंजेलो की नारी आकृतियों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं मिलती हैं? कोमलता, भावुकता, पुरुषत्व, बिडौलपन। बताइए 45 का क्या हुआ आंसर सभी लोग? बिल्कुल, आंसर की बात करेंगे ऑप्शन सी, ये दिया है, ये होगा आंसर पुरुषत्व, ठीक है? माइकल एंजेलो की जो नारी आकृतियां हैं। पेंसिल की डिग्री कितनी है पूछी गई है, बताइए 46 का क्या होगा आंसर? डिग्री कितनी दिखाई देती है पेंसिल में? हाँ, याद रखना है पेंसिल में जो है ना 15 डिग्री दिखती है, ठीक है? आगे चलते हैं, पूछा जा रहा है कौन सी शैली के प्रसार आयताकार होते हैं, बताइए क्या होगा? द्रविड़, नागर, मुगल, मौर्य। 47 आयताकार पूछे गए हैं प्रसार, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये द्रविड़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारंगी और बैंगनी रंग मिलाने पर कौन सा कलर बनता है, बताइए। हमने आपको ट्रिक भी बताई हुई थी, अगर किसी को याद हो फटाफट से करेंगे। हमने आपको बनारस बताया था, बा से बैंगनी, ना से नारंगी, रस से क्या हो जाएगा? रसेट, ठीक है? ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, महायान बताना है, महायान स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना क्या है? अजंता, बोधगया, सारनाथ, कंबोडिया, क्या होगा आंसर? महायान पूछा है ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बोधगया का बौद्ध मंदिर। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन लौरिया नंदनगढ़ के शीर्षा पूछा गया है, स्तंभ शीर्ष पर लौरिया नंदनगढ़ आ गया ना, तो बस इतने से ही तुरंत आपके दिमाग में चलना चाहिए क्या होगा आंसर, बताइए फटाफट से क्या होगा आंसर। 50, शाबाश, सभी लोग करेंगे आंसर फटाफट से एकदम स्पीड में। 50 नंबर का क्या होगा आंसर सभी लोग करेंगे? बिल्कुल, किसने दिया है? रामचरण, वेरी गुड, ऑप्शन बी, ये है श्रृंग, ठीक है? आगे चलते हैं, सरोज मुखर्जी का जन्म 1907 ईस्वी में कहां पर होता है? कलकत्ता, गुजरात, इंदौर, बेलगांव, क्या होगा? 51, सरोज मुखर्जी की बात हो रही है, आंसर होगा कलकत्ता में होता है, ठीक है? वेरी गुड। नेक्स्ट है, रति स्थाई भाव जो है वो किसका है? तो ये बहुत सिंपल है, रति प्रेम का है, तो प्रेम कहाँ में दिखता है? श्रृंगार में, ठीक है? ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, नाग देवी की जो हाथी दांत से निर्मित 6 फीट की मूर्ति है वो कौन से युग में बनाई गई है, ये पूछा गया है, बताइए। प्राचीन मिनोअन युग में, पर्वती मिनोअन युग में, सिंधु युग में, या फिर हेलेनिस्टिक युग में, कब बनी है? शाबाश, बहुत अच्छा रिप्लाई दिया है राम बाबू, शाबाश, ऑप्शन बी, ये राम बाबू और रामचरण दोनों बड़ा अच्छा आंसर दे रहे हैं, शाबाश, ऑप्शन बी, पर्वती मिनोअन युग में। आगे चलते हैं, जल रंग में वयन का प्रभाव कौन से कागज पर अच्छा उभरता है? मोटा, चिकना, पतला, मध्यम, बताइए। 54 क्या होगा आंसर? जल रंग में वयन का प्रभाव जो है वो कौन से कागज पर अच्छा उभरता है? आंसर बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है मोटे कागज पे, ठीक है? आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कलाकृति का अच्छा बुरा होना या सौंदर्य का निर्धारण किस प्रकार का होना चाहिए, बताइए। कलाकृति के सौंदर्य पर आधारित, कलाकृति के बनावट पर आधारित, कलाकृति के सरल व सुबोध विषय पर आधारित, कलाकृति व दर्शक के संबंधों पर आधारित, बताइए क्या होगा? 55, बिल्कुल, आंसर की बात करेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या है ऑप्शन डी? कलाकृति व दर्शक के संबंधों पर आधारित, ठीक है? आगे चलते हैं, पूछा गया है आनंद क्या है? वस्तुगत है, आत्मगत है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं, क्या होगा? 56 का आनंद पूछा गया है, तो आनंद कब आता है? जब आपकी आत्मा बिल्कुल से प्रसन्न हो जाती है, ठीक है? आत्मगत है, ठीक है? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पूछा गया है प्रस्तर निर्मित शिव की तांडव नृत्य की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है, बताइए, गांधार, मथुरा, भरहुत, एलोरा। शिव की तांडव नृत्य प्रतिमा पूछी गई है, आंसर होगा ऑप्शन डी, ये एलोरा से। ठीक है, नेक्स्ट है पिरामिड युग में निर्मित मनुष्य और सिंह की मिश्रित आकृति की मूर्तियां क्या कहलाती हैं, बता दीजिए जल्दी से 58 का। बहुत सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ये स्फिंक्स। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। हार्वेस्ट की जो मूर्ति है वो किसकी है, ये पूछा गया है आपसे, चलिए बताएंगे आप लोग जी, करिए। हाँ 59 पे आएंगे, चलिए आंसर की बात करते हैं। पूछा गया हार्वेस्ट की मूर्तियां किसकी हैं, तो ये राम किंकर बैच आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार में ही रंग किया जाता है किसमें, बॉटिक, तैल रंग, एक्रेलिक, जल रंग, ऑप्शन क्या होगा स्टीव, बिल्कुल आंसर की बात करेंगे, एक बार में ही पूछा है ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बाटिक में करते हैं। ठीक है, आगे किस रंग की कंपन गति सबसे अधिक होती है, बताइए, कंपन की बात हो रही है मतलब विचलन, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये है बैगनी में ज्यादा होती है। फिरका किसे कहते हैं, ये पूछा गया है, फिरका का मतलब तो सभी लोगों को पता होता है कि जो छोटे छोटे चित्र होते हैं इनके जो सेट बनाए जाते हैं उन्हीं को हम फिरका बोलते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, छोटे चित्रों के सेट को, ठीक है, पढ़ते हुए चलना है अच्छे से, आगे चलते हैं। बताना है कि पूछा गया है, लीजिए, माइसिनियन नगर से प्राप्त एक भित्ति चित्र में किसकी झांकी प्रस्तुत की गई है, बताइए किसकी, माइसिनियन नगर से प्राप्त जो भित्ति चित्र है उसमें पूछा गया है, तो आंसर याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें सैनिक जीवन को दिखाया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चल जाते हैं तो आता है, चलिए, लिथोग्राफिक प्रेस लगाने में राजा रवि वर्मा को किन जर्मन विशेषज्ञों ने सहयोग किया था, बताइए क्या हो जाएगा आंसर, बताइए, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, ये चिरचर्ड और साथ में स्लेचर। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आज न्यू क्वेश्चन मिले होंगे आपको, बताइए कमेंट में कि क्या आज आपको न्यू क्वेश्चन मिले हैं, मजा आया है कि नहीं आया है, बताइए। पूछा जा रहा है फ्रेस्को में चित्रण किया जाता है कैसे, गीली भित्ति पर, किंचित नम भित्ति पर, सूखी भित्ति पर, या फिर सभी तीनों में, वेरी गुड, बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों में। ठीक है, वेरी गुड, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, गीली भित्ति पर भी, किंचित नम में, सूखी, सभी में, फ्रेस्को में होता है। ठीक है, चलिए तो यहां से आपके जो है आज हम 65 ही रखते हैं। ठीक है, आज हम केवल 65 ही क्वेश्चन रखते हैं, क्योंकि आज तो आप लोग सभी जानते हैं आज क्या है, आज है करवा चौथ। ठीक है, और घर में बहुत सारे काम होते हैं, फिर भी 65 क्वेश्चंस के लिए हमने टाइम निकाला, क्योंकि अब जो टाइम चल रहा है आपका बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम चल रहा है। ठीक है, अब बिल्कुल से लग जाइए पढ़ने पर। एक चीज़ बोलेंगे, देखिए सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, जाइएगा मत, जाना है तो जा भी सकते हैं आप लोग। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा कि अब आज कौन तारीख है, आज 1 नवंबर है। ठीक है, 1 नवंबर है, देखिए दिसंबर में तो आपका पेपर होने से रहा नहीं होगा, तो आपका जो नवंबर का एक महीना है, नवंबर का एक महीना, दिसंबर का एक महीना, टोटल आपके कितने महीने बचे, बने 2 महीने। ठीक है, सुनिए हमारी बात, हम वही बता रहे हैं यूपी टीजीटी वालों के लिए, सुन लीजिए ध्यान से, कि नवंबर का एक महीना, दिसंबर का एक महीना, मान लीजिए 2 महीने आपके पास पूरे पूरे श्योर हैं कि 2 महीने से कम का टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, तो ये दोनों 2 महीने आपके पास हैं, बिल्कुल श्योर हैं, जिसमें आपको अच्छे से तैयारी करनी है। और आपका जो अब आ जाता है जनवरी, जनवरी प्लस फरवरी, ये 2 महीने आपके संदिग्ध हैं, तो इनको बिल्कुल से लेकर मत चलिए कि आपको इनका टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो नवंबर और दिसंबर, इन 2 महीने जो आपके बिल्कुल से 60 दिन आपको मिले हैं, इसको बिल्कुल से दम से यूज कर लीजिए, जितना पढ़ सके खूब दम से पढ़ लीजिए। ठीक है, ये 60 दिन आपके बिल्कुल से मोस्ट वांटेड टाइम है आपके पास, जो बहुत अच्छे से आपको कवर करना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि जनवरी और फरवरी के बीच में पूरी पूरी संभावना बन रही है आपके पेपर की। ठीक है, तो अब बस
लग जाइए, जुड़ जाइए। और अब ये जो मतलब आज तो खैर 65 क्वेश्चन ही करवा पाए हैं हम, थोड़ा सा टाइमिंग की वजह से, क्योंकि घर में बहुत सारा काम है, मम्मी अकेली हुई मतलब लगी हुई है काम में, ठीक है। तो हाँ हाँ बीपीएससी का भी चल रही है क्लासें, क्या नाम है इनका, अब्बास जी, बीपीएससी की भी क्लासें चल रही हैं, सुबह 8 बजे चलती हैं, ठीक है। और हाँ देखिए, आज हमने 65 क्वेश्चन करवा दिए हैं, लेकिन अब कल से पूरा टारगेट रहेगा कि 125 क्वेश्चन निपटने चाहिए, तो निपटने चाहिए, ठीक है। 125 क्वेश्चन एक दिन में होने चाहिए, और जितनी जल्दी कोशिश करेंगे कि इन जितने भी मतलब कितने हो गए हैं, 17 हो गए हैं, मुश्किल से 7 या 8 मॉडल और बचे हैं प्रैक्टिस सेट करवाने को। और फिर इसके बाद हम आपका बिल्कुल से चैप्टर वाइज मतलब कि टॉपिक वाइज आपके प्रैक्टिस सेट चलाएंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज आपके प्रैक्टिस सेट चलाएंगे, जिससे कि हाँ ठीक है, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, हर चीज पे आएंगे, ठीक है। हाँ जितना भी मतलब ये आपकी, जैसे ही ये 7 से 8 मॉडल पेपर कंप्लीट होते हैं, फिर आपका हम गदर सीरीज चलाएंगे, और उस गदर एमसीक्यूज में आपका चैप्टर वाइज पूरा हम कवर करवाएंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज मतलब चैप्टर वाइज आपके जितने एमसीक्यूज बनेंगे उनको हम डेली प्रैक्टिस सेट में करवाएंगे, ठीक है। पूरा सिलेबस हम खत्म करेंगे मुश्किल से 20 दिन में चैप्टर वाइज एमसीक्यू के फॉर्म में, ठीक है। फिर उसके बाद हम आपको बिल्कुल से मिक्स क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो मतलब इससे आपको क्या फायदा होगा कि चैप्टर वाइज में आपको थ्योरी आप लोग घर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, थ्योरी घर से पढ़ लीजिएगा। हम शाम को चैप्टर वाइज जो हम करवाएंगे ना, तो जो चैप्टर हम करवाएं उस चैप्टर को आपको पढ़ लेना है, शाम को हम उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो करवा देंगे, ठीक है। तो ये जो अपना तरीका होगा, ऐसे में आपका ये जो तरीका होगा, ऐसे में आपको पूरा, रुक जाइए सब कुछ बताएंगे, पहले एक एक चीज पे आने दीजिए, ठीक है। हाँ तो ऐसे जो तरीका होगा, इसमें आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ से हमारा प्रैक्टिस सेट भी, ठीक है। लेकिन ये थ्योरी जो है वो आपको खुद से करनी है, घर पे पूरी पढ़ के आनी है जो चैप्टर हम करवाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम बीपीएससी वालों के लिए, ठीक है। सभी लोग बिल्कुल से तैयार हो जाओ, बीपीएससी वालों का पेपर है कब, दिसंबर में पेपर है। आप लोगों के पास पूरे कितने दिन है, 30 से 35 दिन मान लीजिए, 35 से 40 दिन है, ठीक है। तो इतने में हमने अभी लगभग 6 से 7 क्लासें पढ़ा दी हैं आपके बीपीएससी वालों के लिए, ठीक है। और यहाँ से 30 से 40 क्लासें आपको मिल जाएंगी, ठीक है, इतना पर्याप्त है आपके बीपीएससी वालों के लिए, ठीक है। और आपके पास जो नोट्स वगैरह हो उसको भी पढ़ते जाइए, ठीक है। तो बस जितना पढ़ाया है इनको रिवाइज करते जाइएगा, जितनी भी क्लासेस करवाई हैं, मैराथन हमने 6 घंटे की, 4 घंटे की, 2 घंटे की, 1 घंटे की, 40 मिनट, 35 मिनट, ऐसे करके हमने करवाई हैं, सभी को बार बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब क्लास ऑफ करते हैं।